तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्युत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटभिः सुरलोकनाथैः तोत्रैर्जगत्त्रितैः चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अपने 16वां काव्य लिया था, उसका उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरह स्नन जगत्रयमिदं प्रकटी करोषि अम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां इपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश है। इस 16वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए कि हे स्वामिन, निर्धूम वर्ती आप धुएं से रहित, बाती से रहित, अपवर्जित तेल पूरह, तेल से शून्य होकर के भी इदम कृष्णम जगत्रयम प्रकटी करोसी, आप इस समस्त त्रिभुवन को प्रकाशित कर रहे हैं। और चलिता चलाना मरुताम जातु गम्य न, कभी भी आप जो पहाड़ों को भी हिला देने वाली वायु हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होते, और इस प्रकार के होते हुए भी आप जगत प्रकाश अपर दीपासी, इसलिए आप इस संसार में अद्भुत अपूर्व दीपक हैं जो चिन्मय ज्योति के माध्यम से सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। अब यहाँ दीपक के बाद में अब सूर्य का विभावना अलंकार के रूप में यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि सूर्य को सामने लाएंगे, फिर उसके सामने तुलना करके उसको वहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। ऐसे भगवान के लिए जो अतिशय से युक्त सूर्य के समान है, उसका वर्णन अगले काम में प्रारंभ होता है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। इसमें शाई और शाई दो अंतर हैं। इसमें एक में या के ऊपर ई की मात्रा होती है तो वो ई बनता है, और एक ई सीधा रहता है, तो ये उच्चारण जहाँ पर अपन विशेषता से देखेंगे तो ही समझ में आ सकता है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, स्पष्टी
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभावः नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके भगवान की भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर मुनीन्द्र संबोधन कर रहे हैं। पहले पांचवे काव्य में मुनीश आया था, अब यहाँ पर मुनीन्द्र कह रहे हैं। मुनीन्द्र का अर्थ भी जो प्रत्यक्ष ज्ञानियों के इंद्र यानि स्वामी हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनके भी भगवान स्वामी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मुनीन्द्र संबोधन किया। त्वं कदाचित् न अस्तम उपयासी, भगवान आप कभी भी अस्त नहीं होते। जो दिनकर होता है, सूर्य होता है, प्रतिदिन अस्त होता है, लेकिन भगवान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका केवल ज्ञान रूप कभी भी, केवल ज्ञान सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। न राहु गम्य है, राहु के द्वारा सूर्य के लिए ग्रहण लग जाता है, लेकिन भगवान के ऊपर यहाँ पर मोह रूपी राहु उनको ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। न अम्भोधर निरुद्ध महाप्रभाव, अम्भोधर उदर जो पानी को धारण करता है, ऐसे बादलों के उदर में जिसका महाप्रभाव कभी भी निरुद्ध नहीं होता, कभी भी प्रभावित नहीं होता। जेठ की जब गर्मी पड़ती है तो सूर्य इतना तीव्र रहता है कि एक मिनट भी धूप में खड़े होकर के परेशानी की अनुभूति करते हैं, लेकिन जब बादल छा जाते हैं उस समय में लोग घंटों भी वहाँ पर धूर के प्रभाव, जो सूर्य के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है बादलों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान कभी भी कषाय रूपी बादलों से प्रभावित नहीं होते। युगपत जगंती सहसा प्रकटी करोसी, एक साथ में पूरे युग को प्रकट करते हैं, पूरे जग को प्रकट करते हैं। यहाँ यदि दिन है तो अमेरिका में क्या होता है, तो सूर्य एक साथ में अमेरिका और भारत को प्रकाशित नहीं कर सकता, एक समय में एक को प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान का जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है पूरे युग को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार से इति सूर्यातिशायी महिमासी, भगवान के लिए कह रहे हैं कि आप अतिशयवान सूर्य के समान हैं। तो यहाँ सूर्य से तुलना की गई है। पिछले काव्य में मृणमय जो दीपक था उसको तुच्छ साबित कर दिया, अब सूर्य को लाकर के यहाँ पर विभावना अलंकार की दृष्टि से कि वो सूर्य जो कि अत्यंत तेजस्वी होता है उसको भी वहाँ पर तुलना करके कि भगवान के ज्ञान सूर्य की तुलना में वो भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से इस विभावना अलंकार के माध्यम से भगवान की स्तुति की जा रही है। केवल ज्ञान रूपी
कभी अस्त नहीं होता। कल भी अपन ने केवल ज्ञान ज्योति के रूप में, दीपक की ज्योति के रूप में उसको देखा था कि एक बार यदि केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो कभी भी नष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य है। और भगवान अनंत गुणों के राशि हैं। सूर्य के पास में तो केवल 12,000 किरणें होती हैं, लेकिन भगवान के अनंत गुणों की किरणें हैं। इसलिए इस तुलनात्मक दृष्टि से भी देखें तो भगवान का जो उदय है वो सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। और सूर्य अस्त को प्राप्त होता है, वैसे जीवन में अपने अंदर जो आत्म तत्व है वो कभी भी अस्त नहीं होता। शरीर भले ही अस्त को प्राप्त हो जाए लेकिन आत्मा कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा में जो ज्ञान है वो कभी भी पूर्णता नहीं ढकता, नित्य उद्घाटित ज्ञान आत्मा में सदैव विद्यमान रहता है। जैसे कहते हैं कि दिन में चाहे जितनी घटा छा जाए लेकिन रात्रि जैसा अंधकार नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का कितना भी सघन अंधकार हो जाए लेकिन जीव का ज्ञान गुण पूरी तरह से तुरोहित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान गुण ही मुख्य है। यदि ज्ञान गुण का ही अभाव हो जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, इसलिए वो ज्ञान गुण नित्य उद्घाटित उसके लिए कहा जाता है। तो यहाँ भगवान के लिए जहाँ जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्राप्त किया है वो एक बार उदय होने पर कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ अपन राहु गम्य शब्द के ऊपर लेते हैं, कभी कभी सूर्य के लिए भी खग्रास ग्रहण लग जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि राहु उसको पूरा खा लेता है, उसकी छाया उसके ऊपर पड़ती है, उसके कारण उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए इस प्रकार से कहा जाता है। वास्तव में तो वहाँ पर उसका प्रकाश ही केवल अवरुद्ध होता है। आप लोगों ने सुकोशल मुनि की कथा सुनी होगी, एक सुकुमाल मुनि हुए हैं और एक सुकोशल मुनि हुए हैं। सुकोशल मुनि अयोध्या के राजा कीर्तिधर के पुत्र थे और ये कीर्तिधर राजा जो थे वो श्री राम के पूर्वज रहे हैं। इन्होंने एक बार सूर्य ग्रहण को देखा तो इनके मन में कि सूर्य जैसा महिमाशाली भी जब ग्रहण को प्राप्त हो सकता है तो हमें यमराज रूपी मृत्यु रूपी ग्रहण कब लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं, आयु का कोई भरोसा नहीं कब आयु का अवसान हो जाए। कई कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं जिनको देख करके लगता है कि रात्रि के समय में बर्थडे मनाया, जन्म दिवस मनाया और रात्रि में शयन किया, सुबह हो नहीं पाई उसके पहले वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण में आग लग गई और जिसने रात को जन्मदिन मनाया था सुबह उसकी चिता निकल गई। एक व्यक्ति खड़ा हुआ ठेले पर फुल्की खा रहा था और फुल्की खाते खाते ही एक ठसका लगा, वो बेहोश होकर के गिर पड़ा और उसको उठा करके जब तक हॉस्पिटल ले गए तब तक उसने प्राण त्याग दिए। एक भांजा अपनी मामा की शादी में डीजे चल रहा था, नृत्य कर रहा था और नृत्य करते करते उसको थोड़ी सी थकावट सी महसूस हुई, वो एक कुर्सी पर जाकर के बैठ गया और बैठी बैठे बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने देखा, जब तक हॉस्पिटल ले गए तब तक उसके भी प्राण निकल गए। ऐसी जो है आयु की क्षणभंगुरता को देख करके राजा कीर्तिधर ने विचार किया कि जब सूर्य जैसा महिमाशाली भी ग्रहण को प्राप्त हो सकता है तो हम जैसे लोगों की क्या बिसात। और उन्होंने अपने वैराग्य के भाव अपनी राज्यसभा में रखे।
जब राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात को रखा तो वहाँ के मंत्री बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा कि राजन, आपके कुल की परंपरा है कि जब तक उत्तराधिकारी तैयार नहीं होता तब तक राजा जो है अपनी गद्दी को किसके सहारे छोड़ करके जा सकता है। राजन ने उस समय में सोचा कि वास्तव में अभी इस गद्दी का उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझे थोड़े समय और इंतजार करना पड़ेगा। और वो वहाँ पर ठहर गए। रानी सहदेवी को पता पड़ा कि जैसे ही पता पड़ेगा कि इनका पुत्र उत्पन्न हो गया है, छोटे बच्चे को भी राज दे करके जा सकते हैं, तो उन्होंने गर्भ धारण करने के बाद में भी अपने पति को नहीं बताया और इस गुप्त रीति से उसका गर्भ का वर्धन कराया कि राजा को खबर ना लगे। पुत्र उत्पन्न भी हो गया तो भी उनके लिए केवल इस व्यामोह से वहाँ पर रानी सहदेवी के लिए अपने पति का वियोग ना हो जाए, ऐसा मोह का राहु उनको ग्रसित कर रहा था। लेकिन कब तक छुपाते? उस नवजात शिशु के छोटे छोटे वस्त्रों को देख करके किसी ने राजा को खबर कर दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को ही राज दे करके दीक्षा धारण कर ली। और निमित्त ज्ञानी ज्योतिषियों ने बताया कि रानी सहदेवी, आपका पुत्र भी साधु को देखेगा तो ये भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और उस समय में रानी सहदेवी ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर दिगंबर साधु अब प्रवेश ना करें। ऐसा मोह का ग्राह जो ग्रहण उनके लिए लगा। और कीर्तिधर महाराज स्वयं भ्रमण करते करते अपनी राजधानी में लौट करके आए और जो सैनिक थे वो वहाँ पर पहचानते थे कि हमारे राजा रहे हैं पहले, तो उन्होंने किसी ने निषेध नहीं किया और महाराज नगर में भ्रमण करने लगे। इधर सहदेवी छत के ऊपर से देखती है कि अरे, मेरे आदेश के बाद में भी यहाँ पर दिगंबर मुनि भ्रमण कर रहे हैं। और उसने आदेश दिया कि इनको शीघ्र यहाँ नगर से निकालो। और अब इस समय में रानी के आदेश का पालन करने के लिए उनका निषेध कर दिया। और जिस धाय ने सुकौशल राजकुमार का पालन किया था वो रुदन करने लगी। उसके रुदन को सुनकर के सुकौशल पास में आकर के कहते हैं कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? और उस समय में कि सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे अपनी माँ से भी प्रिय हो, क्यों रो रही हो? उस समय में वो कहने लगी कि तुम एक बात पूछते थे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। वो एकदम बिल्कुल उत्सुकता से पूछता है कि क्या उसको बताने के लिए रुदन कर रही हो? नहीं नहीं, आज वो आए थे और स्कूल की परंपरा की पुत्र को राज दे करके दीक्षा धारण कर ली जाती है, उस परंपरा का आगे कैसे पालन होगा ये सोच करके मैं रुदन कर रही हूँ। और जैसे ही उन्होंने सुना वो उस दिशा में बढ़ गए और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते उन महाराज के चरणों में पहुँच गए। और जैसे ही उन्होंने उनके दर्शन किए, जो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखाई देते थे, पिता पुत्र की प्रतिछाया होता है, पुत्र पिता की प्रतिछाया होता है, इस दृष्टि से वहाँ पर देख करके और जिस बात को निमित्त ज्ञानी ने कहा था वो वहाँ पर उन्होंने चरणों में निवेदन कर दिया। इधर माता सहदेवी और साथ साथ में सारा मंत्रिमंडल पहुँच गया। इधर सुकौशल जो मुनि जो राजकुमार थे उनका विवाह भी हो चुका था और उनकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँच गई। वही प्रश्न फिर रख दिया
कि आपके उत्तराधिकारी अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, आप कैसे राज्य को छोड़ करके जा सकते हैं। और उनको ज्ञात था कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। उन्होंने कहा कि गर्भस्थ शिशु ही अगला इस अयोध्या का राजा होगा, और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। माता सहदेवी, जिन्हें मोह के राहु ने ग्रसा था, उसमें इतना तीव्र आर्त ध्यान हुआ उनका कि उनके प्राण छूट गए। इधर पति चला गया, इधर मेरा पुत्र चला गया। अति आसक्ति के कारण में, आर्त ध्यान से रोते रोते मरने के कारण में, सिंह की पर्याय में जाकर के वो उत्पन्न हो गई। दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है, जासुत बिरह भई बा बाघिन, तासुत देह बिदारी। बाद में उसी माँ ने जिस पुत्र के लिए मरण को प्राप्त किया था, और एक बार फिर जब जो रूप उसका यौवन को प्राप्त होता है, इधर दोनों महाराज, पिता पुत्र महाराज निकलते हैं, और उनको देख करके कि ये जाति स्मरण हो गया उसको, और वहाँ पर इनका तो ठीक है, ये तो पहले चले गए थे, लेकिन इसने मुझे छोड़ दिया। और उस समय में पुत्र को जानते हुए भी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस समय में सुकोसल मुनिराज ने अपने परिणामों को संभाल करके छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। इधर शरीर क्षत विक्षत हो रहा है, लेकिन भावों में उज्ज्वलता ले जाते हुए उन्होंने छपक श्रेणी पर अंतकृत केवली बनकर के मुक्ति को प्राप्त कर लिया। उस समय देवताओं का आगमन हुआ, और राजा कीर्तिधर जो मुनिराज के रूप में थे, उन्होंने उस बाघिन के लिए संबोधन दिया। उस समय में उसके लिए वहां पर होश आया कि मैंने क्या काम कर दिया है, और वो वहाँ पर आगे जो है अपनी गति सुधार लेती है, लेकिन ऐसी स्थिति हुई। तो यहाँ पर राहु ग्रसित कर लेता है मोह रूपी, तब ऐसी स्थिति होती है। आप लोगों ने दशलक्षण पूजा में जहाँ पर बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, उस समय में स्वस्तिमती जो क्षीर कदम्बक उपाध्याय की पत्नी थी, और पुत्र व्यामोह में उसने जाकर के राजा बसु से कह दिया कि तुमको ऐसा कहना है कि जो कुछ पर्वत कह रहा है वो सही है। अजेर यष्टव्यम, अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, और अज का अर्थ पुरानी धान्य होता है जो उगती नहीं है। लेकिन उस समय वो जो मांस लोलुपी हो चुका था, उसने कहा अज का अर्थ बकरा होता है। और वहाँ पर स्वस्तिमती ने एक बार उसकी रक्षा की थी, और उस समय में राजा बसु के पुत्र ययाति, राजा के पुत्र राजकुमार बसु ने वहाँ पर कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आपका संरक्षण करूँगा। ऐसा व्यामोह जो राहु का जब ग्रसित कर लेता है, तो उस समय व्यक्ति व्यामोह के कारण में वहाँ पर सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसी ही स्थिति एक बार जब आचार्य ने दीक्षा ले ली है, और उनके पास में पूरा परिवार पहुंच चुका है, माता पिता दोनों भगनियां भी साथ में होने के लिए तैयार हैं, दोनों छोटे भाइयों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, और आचार्य सी ने उस समय उनको चार लोगों के लिए आचार्य धर्म सागर जी के पास भेजने की बात कही। उस समय में जो एक घर में रह गए थे महावीर अष्टगे, सबसे बड़े सुपुत्र मल्लप्पा जी के, उनको लगा कि पूरा का पूरा पूरा परिवार जा रहा है, मैं अकेला क्या करूँगा। और उस समय में परिवार व्यामोह से उन्होंने
धर्मसागर जी के पास में एक टेलीग्राम भेज दिया कि महावीर का निधन हो गया। उधर आचार्य धर्मसागर जी ने उनसे कहा कि आप लोगों को परिवार में जाना चाहिए। परिवार में जाने के लिए सदलगा जाने के पहले उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करके उनसे पूछ करके जाएं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उस समय आचार्य श्री ने जैसे ही खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो सब महावीर का नाटक है। यदि आप लोगों को फिर भी मन में विकल्प है तो आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी के पास चले जाएं। और जब आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी के पास पहुँचे और सारी घटना सुनाई तो उस समय में उन्होंने कहा कि आपके गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो 12वें गुणस्थान के बैरागी हैं, हम लोग तो 6ठे 7वें गुणस्थान के बैरागी हैं, जिन्होंने चार चार लोग जिनके पास में दीक्षा लेने के लिए तैयार हों, संघ की वृद्धि हो रही हो, फिर भी उन्होंने मोह रूपी राहु पर विजय प्राप्त करके उनको सबको दूसरे आचार्यों के पास भेज दिया। और ऐसी घटना सुनकर के भी वो कह रहे हैं कि ये सब नाटक है, तो ऐसी वैराग्यता उनके पास में है। वो 12वें गुणस्थान, वैसे इस समय में 7वें गुणस्थान से ऊपर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य जी की निर्लिप्तता मोह पर विजय की बात को उन्होंने इस प्रकार से बतलाया। फिर भी उन्होंने कहा कि जैसा धर्मसागर जी महाराज ने कहा है वैसा ही करो, आप सब लोग घर जाओ। और घर पर पहुँचे, वहाँ पर जाने के बाद में पता पड़ गया कि वो तो मोह के राहु से ग्रसित होने के कारण में झूठा टेलीग्राम भेजा गया था। एक आध महीने रह करके फिर वो लोग आ गए और बाद में दीक्षित भी हो गए। तो ऐसी स्थिति मोह के कारण में होती है। जब कभी मोह का राहु ग्रसित करता है तो हम लोग भी जिन चीज़ों के लिए जैन दर्शन में निषिद्ध किया है उनके लिए भी, जैसे रात्रि भोजन का त्याग के लिए बताया गया है, लेकिन हम उसमें बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मोह रूपी राहु कब किसको ग्रसित कर जाए कोई भरोसा नहीं। वह सूर्य को ग्रहण तो कभी कभी लगता है, लेकिन मोह रूपी राहु हमेशा तैयार खड़ा रहता है कि जरा सा थोड़ा सा हमारा साथ दें और वो वहाँ पर आक्रमण करने के लिए, अपने ज्ञान रूपी सूर्य को ढकने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तीन प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। एक होती है हम कर नहीं सकते, एक होती है हम कर नहीं पाते, और तीसरी होती है हम करना नहीं चाहे। कर नहीं सकते किसके साथ होती है? जैसे कोई सर्विस करता है, घर से दूर सर्विस करने, बैंक में सर्विस लगी है, 6 बजे तक बैंक बंद होता है, घर तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, वो कर नहीं सकते वाली कंडीशन में रख सकते हैं। कर नहीं पाते कौन है? जैसे टीचर का जॉब लगा है, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी, अब वहाँ पर पेटी आदि सम्मित करते करते बहुत टाइम लग जाता है, रात ही हो जाती है, तो कभी कभी साल भर में एक आध दो बार ऐसी स्थिति आती है कि वो कर नहीं पाते। इन दोनों कंडीशनों से ऊपर बाकी सब कंडीशंस जो हैं उसमें केवल हम करना नहीं चाहते, क्योंकि यदि हम करना चाहें तो इंग्लिश की वो प्रॉवर्ब वेयर देर इज विल देर इज ए वे, जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह निकल आती है। तो हम कर नहीं सके, हम कर नहीं पाए, उस कंडीशन की बात तो क्षम्य मानी जा सकती है। एक लड़का सूरत का रहने वाला, प्रतिदिन मुंबई जाता है, 250-300 किलोमीटर रोज जा करके रोज लौट करके आता है। यदि उसकी कंडीशन अपन देखें तो हम कर नहीं सकते वाली में अपन उसको रखना चाहिए,
क्योंकि जब वो घर से निकलता है तब सूर्य उदय नहीं होता और जब घर में लौट करके आता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। उसके बाद में भी वो व्यक्ति रात में नहीं खाता। उससे पूछा कैसे करते हो, तो वो कहता है कि मुंबई में पहुंच करके वहाँ पर ऐसी भोजनशालाएं हैं जहाँ पर भोजन मिल जाता है, हम भोजन कर लेते हैं और रात में आने के पहले, गाड़ी पकड़ने के पहले भोजन करके हम लौट करके आते हैं। तो कितनी दूर ट्रेवल क्यों करते हो कि यहाँ पर परिवार है, माता पिता भाई भाभी हैं, उनके पास में आकर के मैं बैठता हूँ तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है, तो यहीं पर रहो ना, वहाँ इतनी दूर क्यों जाते हो। तो कहना बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत पैसा मिलता है। उसके बाद में उसने जो बात कही, यदि हम लोग उस बात पर यदि ध्यान दें तो हम कभी भी बहानेबाजी से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करें। उसने कहा कि परिवार के कारण में मैं सूरत को नहीं छोड़ सकता और पैसे के लिए मैं मुंबई को नहीं छोड़ सकता, तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है मैं उसको कैसे छोड़ सकता। इस बात को यदि हम याद रख लें तो फिर कभी हमारा रात्रि में हम खाना छोड़ने में हमारे लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने आप को बड़े गौरव से मानते हैं कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। कई कई बार तो ऐसे ऐसे भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाते हैं जिनको देख करके लगता है कि ऐसा ही नहीं है केवल कि जैन कुल में ही लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, भारतीय संस्कृति में तो वैसे रात्रि भोजन का त्याग अन्य धर्मों में भी बतलाया गया है, लेकिन उसका वो पालन नहीं करते। क्या उनकी मजबूरी है वो जाने, क्योंकि महाभारत में भी लिखा हुआ है चत्वारी नरक द्वाराणि प्रथमम रात्रि भोजनम। चार नरक के द्वार हैं जिसमें पहला द्वार रात्रि भोजन है। एक अमरावती एक महाराष्ट्र का शहर है जहाँ पर एक काशीनाथ पांडे वहाँ पर गणित के प्रोफेसर थे। काशीनाथ पांडे के नाम से आप समझ गए होंगे वो उत्तर प्रदेश के कहीं के रहने वाले थे। पांडे जी के पास में कुछ जैन लोग गणित समझने के लिए गए और वहाँ पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग रात में भोजन नहीं करते, हम लोग जल्दी जाएंगे। तो पांडे जी ने कहा कि हम लोग भी रात में नहीं खाते। और इसी बीच में उनकी पत्नी भी वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गई और कहने लगी कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं, 2 महीने नरक में रहते हैं। सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कि 10 महीने हम स्वर्ग में रहते हैं और 2 महीने नरक में रहते हैं। उसका रहस्य उन्होंने खोला। अमरावती जो नाम है वो इंद्र की राजधानी स्वर्ग माना जाता है, तो नाम की अपेक्षा से 10 महीने तो वो वहाँ पर प्रोफेसर हैं तो यहाँ रहते हैं, और जब छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने की तो वो अपने घर जाते हैं। और इन लोगों ने तो रात्रि भोजन त्याग किया है, लेकिन जिस घर से वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सब लोग रात में भोजन करते हैं, और रात में भोजन करते हैं और सारे बर्तन वहाँ पर झूठे रखे रहते हैं। सुबह उठ करके देखते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं, झींगुर आदि वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो हमारी पत्नी कहती है कि 2 महीने तो हम नरक में रहते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे पालन करते हैं एक गुरु का उपदेश सुन करके कि हम लोग सूर्य अस्त होने के पहले भोजन कर लेते हैं और सूर्य अस्त होने तक हमारे बर्तन भी मंज जाते हैं, इसलिए हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते। तो ऐसा जो मोह का राहु है यदि वो हमें ग्रसित करता है तो भगवान की बताई हुई जो नियम जिनको कि हमको पालन करना चाहिए उनमें भी हम वहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढ लेते हैं। और रात्रि भोजन का मुख्य कारण एक है ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट कर लो तो लंच लेट हो जाता है, और लंच लेट हो जाता है तो डिनर लेट हो जाता है। इसलिए जैन घरों में तो सीधा भोजन करो तो शाम को अपने आप ही जल्दी भूख लगाती है। हम चाहें तो सारे रास्ते निकल सकते हैं। अक्षय कुमार का नाम आपने सुना होगा, फिल्मी स्टार, इतना बड़ा स्टार, लेकिन वो रात में नहीं खाता। वो किस लिए नहीं खाता? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी पार्टी में नहीं जाता। सोच लो आप, जिसके लिए रोज पार्टियां वहां पर इनवाइट करती हैं, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं जाता। रात को 9 बजे 10 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे जॉगिंग के लिए निकल जाता है। हेल्थ की दृष्टि से वो रात में भोजन नहीं करता। और हम लोग धर्म की दृष्टि से भी और हेल्थ की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से देखें तो उसके ऊपर हम भी रात्रि भोजन के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भगवान के ऊपर तो उन्होंने मोहरूपी राहु को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन हम लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने जो जो आज्ञाएं बताई हैं उनका शिरोधार करके अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला जो बिंदु है, ना अंबोधर निरुद्ध महाप्रभाव। जो भगवान हैं वो बादलों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर बादल हैं कषायों के बादल। उन कषायों के बादल से व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि अपने स्वरूप का भान ही खो देता है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उस समय में क्रोधी के लिए अंधे की संज्ञा दी जाती है। एक प्रश्न बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि हमको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है कि गुस्सा करते हैं? यदि आता है तो सबको आना चाहिए, लेकिन करते हैं इसका मतलब क्या? कि हम जानबूझ करके गुस्सा करते हैं। और गुस्से की दशा कैसी होती, दिशा कैसी होती है? गुस्सा हमेशा नदी के समान निम्नगा, नदी नीचे नीचे की ओर जाती है, ऐसे ही गुस्सा भी जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। कोई बड़ा ऑफिसर आईएएस आदि किसी को डांट दिया, बड़े ऑफिसर को उसने, बड़ा ऑफिसर अपने बाबुओं को, छोटे बाबुओं को, और छोटे बाबू जब घर जाते हैं तो वो अपने गुस्से को पत्नी के ऊपर उतारते हैं, पत्नी अपना गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर उतारती है, और बच्चे अपना गुस्सा खिलौनों पर उतारते हैं, या घर में कोई नौकर होता है तो उनके ऊपर उतारते हैं, और फिर नौकर अपना गुस्सा कपड़ों पर और बर्तनों पर उतारते हैं। तो इस प्रकार से गुस्से की दिशा होती है। तो क्रोध के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। मान कसाई के माध्यम से भी व्यक्ति अपने आप को उच्च और बाकी सबको तुच्छ समझने लगता है। जिन चीजों पर अहंकार करता है वो सब नश्वर हैं, सब छूटने वाली हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए अहंकार की ऐसी दशा होती है कि उस समय में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ करके सबको वहाँ पर नेग्लेक्ट करता रहता है। माया कसाय के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छल कपट का, दगा का, रंचक का सहारा लेता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और ट्रेन जब अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर जाती है तो अक्सर खाली हो जाती है, और उस बोगी में केवल पति पत्नी और बच्चा और एक व्यक्ति और सो रहा था। पति ने कहा पत्नी से कि हमारी बचपन से बहुत बड़ी एक ख्वाहिश रही है कि कभी ट्रेन में चैन खींच करके उसको रोका जाए। पत्नी ने कहा देखो लिखा है वहां पर
500 रुपए का जुर्माना नहीं तो 6 महीने की जेल। पति पूछता है पत्नी से, तुम्हारे पास कितने हैं? वो कहती है हमारे पास 300 है। वो कहता 250 हमारे पास में है, काम चल जाएगा। बचपन की ख्वाहिश है और आज ट्रेन खाली है। यदि ट्रेन भरी होती तो कोई भी रोक सकता है, अभी तो कोई रोकने वाला नहीं है, आज तो पूरी कर लेने दो। पत्नी ने सोचा सामने व्यक्ति सो रहा है, अपन इसका नाम लगा देंगे, पैसे भी बच जाएंगे, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और उन्होंने जो ख्वाहिश थी उसको पूर्ण कर दिया। गाड़ी रुक गई और हवालदार डंडा बजाता हुआ वहाँ पर आ गया। किसने खींची चैन, किसने खींची चैन? और उसने पत्नी ने धीरे से इशारा कर दिया। जैसे ही उसने डंडे से वहाँ पर उसको किया, वो व्यक्ति उठ कर के बोला, इंस्पेक्टर साहब, हवालदार को भी इंस्पेक्टर बोलो तो फिर अपने फेयर में काम करने लगता है, इंस्पेक्टर साहब ये लोग बड़े गिरोह के लगते हैं, बड़े लुटेरे लगते हैं, इन लोगों ने चैन खींची है और साथ साथ में हमारे पैसे भी चुरा लिए, और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो इसके पास में 300 है, इसके पास में 250 है। पुलिस ने चेक किया और जब पैसे मिले तो पैसे उससे ले करके उसको दे दिए और उनको पकड़ करके जेल की ओर बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर, वो छल के माध्यम से दूसरे को छलना चाहते थे, लेकिन भले ही दूसरों को छलो लेकिन वहाँ पर जो छाले हैं वो तो अपनी आत्मा पे ही कर्मों के पड़ते हैं। ऐसी स्थिति कषायों की होती है। और लोभ कषाय जिसका साम्राज्य की और की चाह में व्यक्ति जीवन भर जो है जोड़ते जोड़ते आखिरी में जब अमेरिका का धन कुबेर रथचाइल्ड उससे पूछा कि आप मरण को प्राप्त हो रहे हैं, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई, इनके नहीं एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, बचपन से मेरी ख्वाहिश यही रही कि 10 थे जब डॉलर तो 100 हो जाएं, आज मेरे पास 10 अरब डॉलर हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि उसके आगे एक और शून्य लग जाए, लेकिन वो मैं नहीं लगा पाया। कितनी शून्य लगाई लेकिन फिर भी और की चाह में पूरा जीवन अंत को प्राप्त हो गया, लेकिन ए एन डी एंड कभी ENDE के बारे में सोचा ही। तो ऐसी जो कषायों के बादल हमारी आत्मा के ऊपर पड़ते रहते हैं, हम उनकी ओर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपने ऐसे कषायों के बादलों के प्रभाव को दूर कर दिया, आपने राहु जिसको ग्रसित करता है ऐसे मोह रूपी राहु पर भी विजय प्राप्त कर ली, हम आपके शरण में आकर के इन पर विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी प्रेरणा लेकर के हम प्रतिदिन आपके चरणों में आकर के आपकी आराधना करते हैं। सूरज उदय को प्राप्त होता है और वो अपनी प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से हम लोगों को जगाने के लिए आता है। कई कई बार बच्चे लोग छत पर भी सो रहे होते हैं, प्रकाश खूब हो जाता है लेकिन वो चादर ओढ़ लेते हैं, फिर बाद में सूरज अपनी किरणों के माध्यम से वहां पर ऊष्मा भी छोड़ता है। सूरज तो अपने उठाने का काम करता है लेकिन यदि हम नहीं उठना चाहें तो सूरज जबरदस्ती आपके चादर को खींचने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जिनवाणी भी आपके लिए उपदेश दे सकती है लेकिन जबरदस्ती किसी के लिए नहीं कराया जा सकता। तो जिन यहाँ पर भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में पालन करने के लिए हम इन सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन में प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आप लोग दर्शन पाठ में रोज पढ़ते हैं, दर्शनं जिन सूरस्य संसार ध्वांत नाशनम
बोधनम चित पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। जिन सूर्य ऐसे हैं कि जो सारे संसार के मोह कषायों के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और अपने हृदय कमल को प्रकाशित करने वाले हैं, पुलकित करने वाले हैं और समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं। एक बार हनुमान जी ने पूछा कि श्री राम का राज्य कहाँ तक है और रावण की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बताया जहाँ पर लोग सारे लोग सुबह सुबह प्रातः काल में सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं वो राम के राज्य में रहने वाले हैं, और जो लोग सूर्योदय के बाद में भी सोते रहते हैं वो रावण के राज्य के रहने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पर राम के राज्य वाले हैं, कितने लोग रावण के राज्य वाले हैं। अरे ऐसी ऐसी बातें होने लगी हैं कि एक ही घर में, एक ही कमरे में एक तरफ राम का राज्य रहता है और एक तरफ रावण का राज्य छाया रहता है। प्रातः काल में सूर्य उदय होता है, कितना अच्छा वातावरण रहता है। जो प्रकृति अपने लिए प्रतिदिन कुछ देने के लिए आती है उस गिफ्ट से हम मरहूम रह जाते हैं जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने रिसर्च करके कहा है कि जितने भी तरक्की पसंद लोग हुए हैं, जितने भी लोगों ने ऊंचे ऊंचे ओहदों को प्राप्त किया है, उनमें से कोई भी सूर्योदय के बाद में सोने वाला नहीं। जो भी अपने व्यक्ति जीवन में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए अपने जीवन में परिवर्तन करके सूर्योदय के पहले अपने निद्रा को त्याग करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस काव्य में कि हे भगवान, हे मुनींद्र, आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, कभी भी आप राहु से ग्रसित नहीं होते और कभी भी बादलों से आपका महाप्रभाव निरुद्ध नहीं होता। वो जो सूर्य है वो तो अस्त भी होता है, राहु के द्वारा ग्रसा भी जाता है और बादलों के द्वारा उसका प्रभाव ढक जाता है। वो कहीं कहीं पर प्रकाशित करता है, आप सारे लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए भगवान आप महिमाशाली अतिशयकारी सूर्य हैं। इस प्रकार से इस काव्य के अर्थ को अपन देख करके अब इसके पद्यानुवाद को देखने का प्रयास करते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला ग्रसता न कभी राहु, नास्त कभी होते, पद हो जग प्रकाशित, ना बादलों में खोते, दिन कर से अधिक महिमा, जिन सूर्य में उजाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला।
स्तोत्र ये निराला पद मात्रा से दूषित वचने अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार